में क्या रंग है देख ले। सारी जिंदगी मुझे डांटती रही हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आप नाश्ते में क्या खाएंगी? पानी। मुझे सबिया साहिबा के इंतकाल की इत्तला तो अगले रोज ही आ गई थी, मगर उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि जायदाद के कागजात और उनका खत 10 रोज बाद आपको सुनाया जाए। क्या? आपकी अमानत। मैं जनीवा से पेपर आते ही प्रॉपर्टी की ट्रांसफर शुरू कर दूंगा। जान से प्यारी जहारा, अगर तू ये खत पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि तू एक बार फिर अकेली रह गई है। मैंने खुद सारी जिंदगी तन्हा गुजारी, इसलिए जानती हूं अकेलेपन की असलियत क्या होती है। मुझे भी तेरी तरह मोहब्बत की चाह थी। मेरी खुश नसीबी कि आबिद की शक्ल में उसे पा भी लिया, लेकिन मेरी बदनसीबी की खुशियों के 4 मौसम भी देख पाए। जिंदगी ने अमन की शक्ल में तुझे मोहब्बत के जायके से आशना होने का एक मौका दिया है, उसे पाने या ठुकराने का तुझे पूरा इख्तियार है। रास्ता बदलने से पहले एक बात याद रखना, जिंदगी तन्हा गुजारना आसान है, सहारना मुश्किल। आप क्या कह रहे हैं आया साहब? आपके करीब ये कोई खेल है? खेल में तो फिर जीत का इम्कान होता है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है यार साहब कि जब जी चाह रिश्ता जोड़ लिया, जी भर गया तोड़ लिया। मैं रिश्ता तोड़ जरूर रहा हूं, लेकिन मजबूरी मेरी नहीं है। तो किसकी है? वो हरीम बेटी, हरीम बेटी किसी और को पसंद। अय्याज साहब, इससे पहले कि मैं तमाम ताल्लुकात भूलकर बाप बनने पर मजबूर हो जाऊं, खामोश हो जाइए। देखो रफी, अगर वो भी अपना ही बच्चा ना होता तो शायद मैं हरीम को तुमसे झगड़ कर भी ले लेता। क्या मतलब? हरीम और खयाम, हरीम
मैं जानता हूं आपको सहारे की जरूरत। मैं तो सिर्फ आपका साथ देने आया हूं। कब तक अमन? कहां तक? जहां तक आप चाहें, जब तक आप अपनी जिंदगी का सफर शुरू नहीं कर लेते। मुझे अकेले सफर करने की आदत पड़ गई है। आदत कोई भी हो बुरी होती है। शायद इसीलिए मैं किसी के साथ की आदत नहीं डालना चाहती। सच बोलने की तरह कुछ आदतें अपने लिए ना सही दूसरों के लिए जरूरी होती। तुम बहुत बोलते हो। शायद कुछ कहने से ज्यादा बोलना आसान होता है। नाजिश ने बताया तो मैं समझा कि वक्त ही लगाओ, मगर आज उसी बात पर अय्याज साहब ने रिश्ता ही खत्म कर दिया। तो कौन सी क्यामत टूट पड़ी? ना आपको उनका पैसा चाहिए और ना मुझे उनका बेटा। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं? जो देखती आई हूँ वही करूंगी ना। अरे स्टॉप इट। लोग ठीक ही कहते हैं, इंसान अपनी क्लास तो बदल सकता है, फितरत नहीं। तुम्हारी फितरत से आशना होता तो दिन रात मेहनत करके तुम्हें यहाँ तक ना पहुँच जाता। तुम्हें ही शौक था आसमान छूने का। शायद भूल गए कि इससे पहले जमीन पर से नजर हटानी पड़ती है। काश उसी वक्त तुमसे भी नजरें फेर ली होती तो आज मेरा सर झुका हुआ ना होता। बस कर दीजिए आप, आपके झगड़ों ने मुझे ज़हनी बीमार बना दिया। डर लगता है मुझे रिश्तों से, मोहब्बत से, ख्वाब देखने से। अगर आप मुझे सुकून नहीं दे सकते तो एटलीस्ट सांस तो ले दीजिए। करते होती मोहब्बत? अगर सोच कर की होती तो शायद जवाब देता, मगर मुझे तो हुई है। क्यों हुई है? सुना है दुनिया में हर दिल दो टुकड़ों में होता है, जब दूसरा हिस्सा मिल जाए तो खुद ब खुद उसकी तरफ खींचता चला जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि सब झूठ है और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो तो मैं खामोशी से आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा। तो फिर चले क्यों नहीं जाते? उम्मीद बहुत सारी चीज। क्या करना पड़ेगा मुझे तुम्हारी उम्मीद को खत्म करने के लिए? जिस उम्मीद ने इंतजार का आबे हयात ना पिया हो उसे खत्म करने के लिए कोशिश की जरूरत नहीं। कब तक अमन, कब तक इंतजार करोगे? मरते दम तक, शायद उसके बाद। क्यों अपना वक्त जाया करते हो तुम? क्यों अपनी जिंदगी जाया करते हो? मैं चाहते हुए भी शायद तुम्हारी मोहब्बत का जवाब ना दे सकूं। आप चाह कर तो देखें।
फरमाइए। मैं हूँ नताशा, अली कमाल। जी मुझे मालूम है, कोई काम है आपको? नहीं, मैंने सोचा काफी दिनों से बात नहीं हुई तो। क्या रोज बात होना जरूरी है? क्या हम उसके बगैर दोस्त नहीं रह सकते? रह तो सकते हैं, मगर क्यों, कोई मसला है? बन सकता है, और मैं जानती हूँ कि आप ऐसा नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। अच्छा मैं कॉलेज से आया था और। ओके अली कमाल, खुदा हाफिज़।